आइए अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। एक साम्यवादी ने मुझसे साफ कहा, रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा। प्रसोपा के एक साथी ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है, नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिल न सका, मिलता तो वह इसके सिवा क्या कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, यही गनीमत है। मैं इंतज़ार करूंगा जब भी सूर्य निकले। साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी वादी लोग, जिसमें सभी अचल संपत्ति सरकार की होती है। साफ स्पष्ट, पिछलग्गू अनुसरण करने वाला, नतीजा परिणाम, प्रसोपा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अनमने उत्साहहीन, पेचीदा कठिन, फैसला निर्णय, इंतजार प्रतीक्षा, गनीमत विकट अवस्था में संतोष की बात। राजा जी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। एक कम्युनिस्ट पार्टीवादी ने स्पष्ट कहा कि रूस का अनुसरण करने का यही परिणाम है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ने उत्साहहीन तरीके से कहा कि प्रश्न कठिन है, अतः नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में निर्णय होगा, तब सूचित करूंगा। राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक से लेखक की भेंट नहीं हुई, परंतु उनका अनुमान है कि इस विकट अवस्था में यही संतोष की बात है कि इस राज्य में सूर्य नहीं कम से कम तारे तो निकलते हैं, वह सूर्य निकलने की प्रतीक्षा करेंगे। अनुच्छेद 5। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए, उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका को छाता का छाता भी ले गए। वह बेचारी बस स्टैंड पे जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद आती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलती हैं। रेडियो टिप्पणीकार कहता है, घोर करतल ध्वनि हो रही है। मैं देख रहा हूँ, नहीं हो रही है। हम सब तो ओवरकोट में हाथ डाले बैठे हैं, बाहर निकालने का जी नहीं होता, अकड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं बजा रहे, फिर तालियां कहाँ से बज रही हैं। मैदान में ज़मीन पर बैठे वो लोग बजा रहे हैं जिनके हाथ पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 4 चालाक यानी चतुर, कपटी छली, भीगता गीला होता है, ठिठुरता कपकपाता है, मेहमान अतिथि, टिप्पणीकार रिपोर्टर, करतल ध्वनि तालियों की आवाज़, खतरा भय या आशंका। स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को पड़ता है वह भी वर्षा में ही आता है। अंग्रेज़ों की चतुराई की ओर लक्ष्य करते हुए लेखक कहते हैं कि अंग्रेज उस छली प्रेमी की तरह भागे जो भारत रूपी प्रेमिका का छाता भी ले गए। बारिश में संबल छाते के बिना वह बस स्टैंड पर खड़ी अपने छाताकोर प्रेमी की स्मृति में व्याकुल है। स्वतंत्रता दिवस बारिश में हमें गीला करता है और गणतंत्र दिवस सर्दी में हमें ठिठुराता है। ठंड के कारण लेखक के हाथ जेब में हैं। प्रधानमंत्री किसी विदेशी अतिथि के साथ पधारती हैं।
रेडियो पर तालियों की गड़गड़ाहट के बारे में रिपोर्टर बोल रहा है। लेखक के अनुसार हाथ अकड़ जाएंगे इसके डर से हाथ जेब में है, फिर तालियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेखक इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि मैदान में जमीन पर बैठे हुए वे लोग ताली बजा रहे हैं जिनके पास कोट की जेबें नहीं हैं। उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर आधारित है। कुछ लोगों का मत है कि गरीबी मिटनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ऐसा कहने वाले लोकतंत्र के लिए भय उत्पन्न करते हैं। अनुच्छेद 6। गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है, यह अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर झांकियां झूठ बोलती हैं। इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात की को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर और आग में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र प्रदेश की झांकी में हरिजन जलाते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बताए गए थे, पर सत्य अधूरा रह गया था। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मास्टर रोल करते दिखता, चुकारा करने वालों का अंगूठा हजारों मूर्खों के नाम के आगे लगवाता, नेता अफसर ठेकेदार के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों की ताटपट्टी कांड से हमारा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झांकी में यह दृश्य दिखाता, मंत्री अफसर वगैरह खड़े हैं और ताटपट्टी खा रहे हैं। झांकी संक्षिप्त दर्शन। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का भाव। सत्यमेव जयते, सत्य सदा विजयी होता है। मोटो, आदर्श वाक्य। असल में, वास्तव में। विशिष्ट, खास। प्रदर्शित, दिखाना। मशहूर, प्रसिद्ध। दंगा, उपद्रव। झोंके, फेंके। उम्मीद, आशा। झूठ, असत्य। नज़दीक, पास। अधूरा, आधा। घपला, गोलमाल। चुकारा, भुगतान वगैरह आदि। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक राज्य झांकी यानी अपने संक्षिप्त दर्शन द्वारा अपना ठीक दृश्य नहीं दिखाते। हमारा आदर्श वाक्य है कि सत्य सदा विजयी होता है, पर झांकियों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उनमें विकास के काम, लोगों का जीवन, इतिहास आदि होते हैं। सत्यतः झांकी में वह खास चीज़ दिखानी चाहिए जिसने गत वर्ष में राज्य को प्रसिद्धि प्रदान की हो। गुजरात की झांकी में पिछले वर्ष हुए उपद्रव यानी आगजनी वाले दृश्य होने चाहिए थे। उससे पिछले साल आंध्र प्रदेश वाली झांकी में हरिजनों के साथ अत्याचार होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं दिखा, अपितु लघु उद्योग, विकास आदि दिखाए झांकियों में। 2 साल पहले मध्य प्रदेश की झांकी में अकाल राहत यानी फैमिन रिलीफ
ये कार्य दिखाए गए, परंतु उस साल मध्य प्रदेश ने राहत कार्यों में गोलमाल के कारण नाम कमाया। लेखक के अनुसार झांकी में यदि भुगतान करने वाले गलत जगह अंगूठा लगाते दिखते, अधिकारी भ्रष्टाचार मग्न दिखते तो अधिक उचित होता, ताटपट्टी खाते हुए भ्रष्टाचारी दिखते तो वह सही होता। अनुच्छेद 7।